लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एनडीटीवी को अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदने के विरोध एवं निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार के समर्थन में AIFF का प्रदर्शन। आज दिनांक 2 दिसंबर 2022 को एनडीटीवी के निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार के समर्थन में और एनडीटीवी को खरीदने वाले अडानी और मोदी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इससे पहले छात्रों का क्रांतिकारी जत्था, ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं AIFF के जिला उपाध्यक्ष कैसर रेहान तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संयोजक किशोर कुमार के नेतृत्व में नवाब चौक से अपने क्रांतिकारी जत्थे के साथ रवीश कुमार जिंदाबाद, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार रवीश कुमार को क्रांतिकारी लाल सलाम, मोदी अडानी हाय हाय, मोदी अडानी शर्म करो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को कलंकित करना बंद करो सहित गगनभेदी नारे लगाते हुए कैंटीन चौक पर पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान AIFF नेता शाहरुख ने भी समर्थन किया। PNP न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। देश का चौथा स्तंभ जिसे हम पत्रकार कहते हैं, अच्छा। उसे ही वर्तमान सरकार, जो मोदी की सरकार है, जो हिटलर की सरकार है, अडानी खरीदे हैं। सरकार के इशारा पर अडानी खरीदे हैं, कोई भी खरीदे सरकार के इशारा पर खरीदे, अच्छा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए, छात्र और नौजवान, किसान मजदूर के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसी सरकार को हम गद्दी पर पहुंचा दिए हैं, जो अंग्रेज की सरकार है, जो हिटलर शाही सरकार है। लेकिन सीधे तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ, अभी आप NDTV खरीदे हैं, लेकिन देश की जनता अब सतर्क हो चुका है, आपके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। जब तक आप छात्र को रोजगार नहीं दीजिएगा, छात्र को रोजगार नहीं दीजिएगा, आप जो एक रवीश कुमार पत्रकार था, जो छोटे छोटे बातों को उठाकर आम जनता के बीच पहुंचाने का काम किया, उसे ही आप अलग कर दिए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा, आर पार की लड़ाई इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। क्या कहना? आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एक देश के निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार रवीश कुमार के समर्थन में और उस निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार को खरीदने की कोशिश करके थक के NDTV को ही खरीदने वाले सरकार और अडानी के विरोध में हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रदर्शन है। निश्चित तौर पर किसी भी पत्रकार, जो इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उसको खरीदना इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। जब से ये सरकार आई है, तब से इस देश की जनता सड़क पर है, इस देश के नौजवान सड़क पर है, इस देश के छात्र सड़क पर है, इस देश के किसान सड़क पर है, तमाम लोग सड़क पर टपला खाने पर मजबूर है। सरकार ने हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, और 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अभी तक इस देश के नौजवानों को 16 से 17 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन रोजगार की स्थिति ये है कि बेरोजगारों की एक लंबी फौज हमारे देश के अंदर खड़ी है, किसान सड़क पर है। जब इन्हीं चीज़ों को, जब निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार अपने NDTV के माध्यम से रवीश कुमार दिखा रहे थे, टेलीकास्ट कर रहे थे, इस देश की जनता को दिखा रहे थे, तो सरकार ने एक साजिश के तहत पहले तो निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार को खरीदने की कोशिश की। जब वो नहीं खरीदाए, जब वो अपने निर्भीकता पर अटल रहे, अपने निष्पक्षता पर अटल रहे और अपने ईमान को नहीं बेचा, तब उन्होंने पूंजीपतियों से साठ गांठ करके अडानी के हाथों NDTV को ही खरीदवा दिया। ये सीधे तौर पर इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला है। और इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता में आने के बाद लगातार सरकार इस देश के लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश कर रही है, इस देश के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इस देश की जनता पर जुल्म तो ढा ही रही है, इस देश के जितने भी बुनियादी तत्व हैं उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर रही है, सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है और निजीकरण की ओर इस देश को धकेला जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 लाकर इस देश के शिक्षा को अडंबर की ओर भेजने की कोशिश की जा रही है, नई शिक्षा नीति 2020 लाकर इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। और इस तमाम चीज़ों को जब रवीश कुमार ने दिखाने की कोशिश की, तो एक साजिश के तहत NDTV को ही दिखवा दिया। इसके खिलाफ आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सड़क पर आया है। जब जब मीडिया पर हमला हुआ है, जब जब इस देश के लोकतंत्र पर हमला हुआ है, इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है, हमारा संगठन AISF सड़क पर उतर कर सड़क से संसद तक लड़ने का काम किया है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। इन्हीं सवालों पर आज यहाँ पर हमला क्या कहना चाहते हैं? एक इलेक्ट्रोमीटर की तरह काम करते हैं। कौन मीटर? इलेक्ट्रोमीटर, जो दूध मापने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर के तरह ना। वो एक ऐसे पत्रकार थे जो
अगर आप कहीं झूठ परोस दिए टीवी पर तो वो सच्चाई उसमें से निकालकर जनता को दिखाते थे। तो ऐसे पत्रकार को खरीदना बिल्कुल कहीं ना कहीं देश को विडंबना और देश को दर्द में धकेलने का काम किया जा रहा है सरकार और अडानी के द्वारा। उसी के विरोध में हम लोग रवीश कुमार के समर्थन में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं।